नमस्कार, टीवी 100 देख रहे हैं आप। हिमाचल प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं हिमांशु। नजर डालेंगे अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। हिमाचल के शिमला की सबसे पहले बात करेंगे। शिमला में 2 दिवसीय पुलिस स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पहले दिन ही सुरक्षा बलों ने तरह तरह के कर्तव्य दिखाए, जिस दौरान उत्कृष्ट काम करने वाले जवानों को सम्मानित किया गया। यह है हिमाचल की संस्कृति की खूबसूरत झलक। शिमला में पुलिस स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित रंगारंग कार्यक्रम में कलाकारों के नृत्य संगीत ने समा बांध दिया। 2 दिन तक चले पुलिस स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने रंगारंग कार्यक्रम का जमकर लुत्फ उठाया और सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाते हुए उत्कृष्ट काम करने वाले 10 पुलिसकर्मियों को राज्यपाल देवव्रत ने सम्मानित किया। हम जो जो विकास की ओर बढ़ रहे हैं, जो जो नैतिकता का बड़ा भरा समाज में हो रहा है, ये सब के लिए चिंता का विषय है। पहले की अपेक्षा हम ज्यादा पढ़ लिख चुके हैं, पहले की अपेक्षा हम धनवान भी हो चुके हैं, पहले की अपेक्षा हम मॉडर्न भी बन चुके हैं। पुलिस स्थापना दिवस पर पुलिस कर्मियों के आकर्षक परेड ने लोगों का मन मोह लिया। इस कार्यक्रम में जवानों ने अपनी उपलब्धियों की प्रदर्शनी भी लगाई और कर्तव्य दिखाए। वहीं इस मौके पर डीजीपी सोमेश गोयल ने कहा कि स्थापना दिवस पुलिस बल को एक नई ऊर्जा और ताकत देता है। देखिए, हमारे लिए अपने किसी भी व्यक्ति के लिए जन्मदिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। हमारे लिए ये विशेषकर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 70 वर्षों के बाद आज हम इस परिपाटी को हमने शुरू किया है। इस स्थापना दिवस ने पुलिस के मनोबल को तो बढ़ाया ही, लोगों को भी अपराध के प्रति जागरूक होने के लिए सचेत किया। टीवी 100 के लिए शिमला से पराक्रम चंद्र तिरवाड़ी।